हाय एवरीवन, तो आज मैं जाने वाली हूँ एनिवर्सरी पार्टी में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एनिवर्सरी पार्टी के लिए मेकअप बिल्कुल ही बहुत ही कम प्रोडक्ट में, मतलब आपका स्किन तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, बट ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी लगा रखा है, मेकअप लगा रखा है। तो चलिए ऐसा मेकअप करते हैं। एनिवर्सरी पार्टी मेरी नहीं है, किसी और की है। मैं तो वहाँ दावत खाने जा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा मेकअप तो चलता है, थोड़ा ब्लश ब्लश तो चलेगा, ताकि थोड़ा साड़ी वगैरह पहन रहे तो फिर अच्छा तो दिखना चाहिए ना, तो फेस ऐसे तो लेके नहीं जा सकते। तो मैंने किया था मेकअप, फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र, जो कि हमारे मेकअप को अच्छा दिखाने में काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेप जो था वो प्राइमर का, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हो तो आपका मेकअप जो है वो बाद में काला पड़ जाता है, या फिर आपके पसीने के साथ आपका फाउंडेशन मिक्स होकर काला हो जाता है। तो प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आपको चाहिए एक्ट्रेस जैसा बहुत ही खूबसूरत मेकअप। उससे पहले मेरे बाल मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने इसको स्क्रैच कर लिया क्लचर की मदद से। और अब मैं यहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइलाइटर का। अगर आप डे पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइलाइटर लगाना कब है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको लेना है अपना हाइलाइटर पाउडर या लिक्विड, आपकी मर्जी है। पूरे हाइलाइटर को पाउडर की तरफ पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ये स्टॉक क्रीम का काम करेगा। जैसे कि आप एक्ट्रेस को देखते होगे, आलिया भट्ट का स्पेशली मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि उनका मेकअप लगता ही नहीं है कि उन्होंने मेकअप किया है। बहुत ही नेचुरल सा रहता है और बहुत सेटल रहता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो वैसा लुक चाहिए तो आपको पहले हाइलाइटर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। हाइलाइटर अप्लाई करने से क्या होगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कलर करेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर लेने पे बहुत मेकअप हैवी सा दिखता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज किया है। हाइलाइटर से हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं और जितना भी डार्कनेस है वो हाईलाइट हो जाएगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको कुछ भी अपने चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डे पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हो तो हाइलाइटर को आप पहले ही यूज़ कर दीजिए, क्योंकि बाद में यूज़ करोगे तो आपका स्किन जो है वो बहुत फाइन करेगा, सिमरी सिमरी सा दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। हाइलाइटर आप बाद में तभी यूज़ कीजिए जब आपका नाइट पार्टी हो। डे पार्टी के लिए हाइलाइटर को जैसे मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है वैसे ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को अपने हाथों से ब्लेंड करूँगी। पहले मैंने इसको क्रीम की तरह फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया, उसके बाद इसे टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद सारी चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिक्विड कंसीलर आइज़ के नीचे, थोड़ा सा नोज पे, फोरहेड पे, जो जो हमारा हाईलाइट पॉइंट होता है वहाँ वहाँ पर, और जहाँ पर थोड़ा डार्कनेस होती है वहाँ पर। ओके, और इसको इस तरीके से ब्लेंड करूँगी मैं अपने फिंगर से ही। ये भी काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ता, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। BB3 करके ये लिक्विड है, सॉरी कंसीलर है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, पूरा अच्छे से टैप टैप करके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। तो आप देख सकते हो बिना किसी हैवी प्रोडक्ट के, बिना कलर करेक्टर के मेरा फेस कितना इवन हो गया है और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है लिक्विड ब्लश, इसको भी इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, चिक बोन्स पे एंड नोज पे। थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी बॉडी पे भी, और इसको भी ब्लेंड करूँगी मैं अपने फिंगर टिप्स पे। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैंने अभी इसको सेट नहीं किया है, पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, तो थोड़ा हैवी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पाउडर लगाएंगे तो पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लश को भी। काफ़ी ईजी वे में आपको ये मेकअप बता रही हूँ, और डे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद मैंने फिर से हाइलाइटर लिया है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेट नहीं किया, तो आप फिर से हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। तो डे पार्टी में आप ऐसे ही मेकअप कीजिएगा। आई मेकअप मुझे यहाँ पे बहुत हैवी नहीं चाहिए, तो हाइलाइटर ही ऊपर लगा दे रही हूँ, जिससे कि मेरा डार्क सर्कल जो है वो हाइड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर ले रही हूँ और पूरे मेकअप को फिक्स कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने पाउडर नहीं लगाया है, मेकअप को सेट नहीं किया है, और मैं ये सारे जो भी चीज़ें करनी है वो सारी करते जा रही हूँ। तो आपको भी एग्जैक्ट ऐसे ही करना है अगर आप दिन के लिए मेकअप कर रहे हो। तो डे पार्टी के लिए मेकअप करते टाइम हम लोग बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मैंने ये मेकअप सुबह 9 से 10 बजे किया था, एंड रात को क्या, अगले दिन सुबह आई थी, तब तक ये मेकअप ऐसे का ऐसे था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे लगा लिया था लिपस्टिक, जो मेरी साड़ी से मैच होता हुआ था।
यहाँ पर लिपस्टिक मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अभी मैंने अपना आई मेकअप नहीं किया है, आईब्रो नहीं फिल किया है, लाइनर वगैरह सब कुछ लगाना है। तो इस तरीके से लिपस्टिक को लगा लिया है। आउटर कॉर्नर से मैं इस तरीके से निकाल देती हूँ ताकि जो मेरा लिपस्टिक है वो बाद में फैले नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से लिपस्टिक को लगा लिया है। अभी तक मैंने अपना मेकअप सेट नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ, दोनों आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो पेंसिल से आईब्रो को शेप देके और जो आईब्रो फिलिंग ब्रश है उससे अच्छे से आईब्रो को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आईब्रो फिल कर लिया था। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा बेबी जॉनसन का पाउडर लिया था और पूरे बेस को सेट कर लिया था। अब देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे हैवी नहीं लग रहा है। ब्लश भी हमारा हाइड हो गया, हाइलाइटर भी हाइड हो गया एंड स्किन अलग से शाइन कर दी है। आई मेकअप के लिए मैंने डायरेक्ट ग्लिटर लिया था और आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया था लाइट पिंक कलर का। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सिर्फ हाइलाइटर लगाने के बाद से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया थोड़ा डार्क कलर का, जो साड़ी से थोड़ा एक दो शेड तक डार्क हो। पहले लाइट कलर लेना है और अपनी क्रीच एरिया पे अप्लाई कर देना है, उसके बाद फिर डार्क कलर लेना है और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर लिया था और इस तरीके से क्रीच एरिया पे अप्लाई कर दिया है, जिससे कि जो आपका मेकअप है आई मेकअप वो प्रोफेशनल दिखे और इतना ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो बैगिनर्स हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और इस तरीके से अप्लाई किया, आपने देखा कितना अच्छे से आपका मेकअप जो है बहुत लाइट भी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का सीमर लेके इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया था और जस्ट नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था। आउटर कॉर्नर पे आपको लाइट पिंक कलर का अप्लाई करना है, इनर कॉर्नर पे सिल्वर कलर का, क्योंकि साड़ी का जो कलर है वो भी ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे लाइनर ले रही हूँ और ये लाइनर है 7C का, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं फैलता है। पानी आंसू आए चाहे पानी गिर जाए आँख पे कुछ भी हो जाए, ये लाइनर अपनी जगह से नहीं हिलेगा और निकालते टाइम भी बिल्कुल भी फैलता नहीं है, इजीली ये पपड़ी की तरह निकल जाता है। और 150 रुपये समथिंग में मिला था मुझे। मैं इसका लिंक बाय नहीं कर सकती, लिंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये मैंने दुकान से लिया था। तो इस तरीके से मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है, लो वाटर लाइन पे भी ऐसे अप्लाई करना है आपको। इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइनर इस तरीके से आगे की तरफ निकालना ज़रूरी होता है, इससे आपकी आंखों का जो शेप होता है और जो आपका आई मेकअप का लुक होता है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। फिर लो वाटर लाइन पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे काजल लगाना भूल गई थी और मैं पार्टी में भी चली गई थी। आप काजल लगा लीजिएगा लो वाटर लाइन पे, इस तरीके से लाइनर लगाने के बाद से काजल लगाओगे तो आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। जब तक आपका लाइनर रहेगा तब तक आपका काजल भी वैसे का वैसे टिका रहेगा। अब मुझे लिपस्टिक यहाँ पे थोड़ी सी मेरी डार्क लग रही थी तो मैंने यहाँ पे अपना आई शेडो पैलेट में से या फिर सिमर पैलेट में से पिंक कलर का शेड लेके लिपस्टिक पे इस तरीके से लगा दिया था, जिससे कि मेरा लिपस्टिक वाटरप्रूफ भी हो गया था और काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया था। उसके बाद से मैंने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, बालों में कोई हेयर स्टाइल नहीं की थी मैंने। वैसे हेयर स्टाइल की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो रखी हैं, तो अगर आपको हेयर स्टाइल की वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। लंबे बालों के लिए, छोटे बालों के लिए, पतले बालों के लिए, हल्के बालों के लिए, ऑल हेयर टाइप्स के लिए हेयर स्टाइल है, ऑल फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और पार्लर से रिलेटेड इसी तरीके की छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं उन पर मैं लेके आती हूँ पूरी बारीकी के साथ वीडियोज़। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोज लेकर आती रहती हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं पार्टी में और यहाँ पर बोला था डांस का ये जो साड़ी इस कलर की पहनी हुई है इन्हीं डांस का मेरे साइड में पड़ी हुई है। हमारी हालत खराब है, हम सोए रहे कम से कम 2-3 बजे दोपहर तक। उसके बाद हम केक
और बहुत सारे देवी देवताओं की शूट कराया था अपनी बेटी से, तो वीडियो इधर उधर हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस मैं अपना पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने पहनी थी फ्री पल्लू की साड़ी, और ये ब्लाउज जो है ये 1.5 मीटर कपड़े में, एक मैंने फुल स्लीव की बनाई थी और बचे हुए कपड़े थे मैंने स्लीवलेस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ पिक्स क्लिक की थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड मैंने यहाँ पे अपने, मेरी बेटी ने वीडियो हिला दी थी पूरी तरीके से, और ये है मेरा बेटा, और यहाँ पे मैंने वीडियोज़ ली थी। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।